नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के पेजेस को इंडिविजुअली गूगल के अंदर इंडेक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपने वेबसाइट के इंडिविजुअली पेजों को जाके हम वेबमास्टर में यानी गूगल सर्च कंसोल के अंदर कैसे सबमिट कर सकते हैं कि जिससे कि गूगल इनको क्रॉल करे और हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अच्छे से ऊपर आने लगे, SEO होने में उसे आसानी होने लगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल के सर्च बार में जाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है वेबमास्टर। ठीक है दोस्तों, वेबमास्टर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप वेबमास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे एक लिंक आएगा, ये वाला जो मेरी स्क्रीन पे आया हुआ है www.google.com/webmaster। अब आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि साइन इन का ऑप्शन। ठीक है, हम यहाँ पे साइन इन करते हैं। साइन इन आप उसी आईडी से करें जिस आईडी से आपने अपने अकाउंट बनाया हुआ है और अपना डोमेन को परचेज करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने साइन इन कर दिया है तो यहाँ पे मेरा जो वेबसाइट है वो देखो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी है। ठीक है, इसलिए इसके आंकड़े यहाँ पे भी जो डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बट अभी मैं यहाँ पे दूसरी अपनी वेबसाइट है, ये दूसरी आईडी मैं लॉग इन कर देता हूँ यहाँ पे। ये आप देखेंगे मैंने अभी टॉप गुरुज की आईडी ऐड कर दी है यहाँ पे, तो जो मेरे क्लाइंट है उनकी यहाँ पे आईडी अभी शो होगी और उससे हमें डाटा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये मैंने ऐड करी हुई है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा सारा डाटा शो होने लग गया है। अगर आपने अभी अपनी अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर नहीं करा है या फिर यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अपने गूगल के क्रॉल के लिए सबमिट नहीं करा है तो आपको उसके लिए भी मैं यहाँ पे प्रॉप ऑप्शन बता देता हूँ कि आपको अगर एडिट करनी है ऐड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए ऐड टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। अब ऐड टू प्रॉपर्टी पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कोई सब डोमेन है जिसको आप DNS वेरिफिकेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डालें। फिर आगे प्रोसेस आता है उसको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, और जो फाइल होती है उसको जाके आपको अपने cPanel के अंदर अपलोड करनी पड़ती है, देन यहाँ पे जाके आपका अकाउंट जो होता है वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है पूरे प्रोसेस कि आपका ही डोमेन है, आप ही उसके ऑनर है। ठीक है, जिससे कि कोई और आपके डोमेन को वेरीफाई करके और आपका डाटा चुरा ना ले, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें करनी जरूरी होती है। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन देता है गूगल कि हमें चार मल्टीपल तरीके से हम वेरीफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना पड़ता है पूरी, जैसे यहाँ पे डाला हुआ HTTPS, फिर उसके बाद वेबसाइट का पूरा को यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू करके सबमिट करते हैं अपनी वेबसाइट का मैप। तो इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है पहले ही, जो मैंने जिसका लिंक मैंने बायो में दे रखा। अगर आपने नहीं करा हुआ है वैसे तो आप क्लिक कर दें, जाने उसके बाद जैसे आप हम कर लेंगे वो सारी चीज़ें आपके सामने इस पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा एक तरीके से, जो मेरे अभी यहाँ पे हो रखा है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से गूगल पे अपने पेजेस को इंडिविजुअली हम इंडेक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे URL इंस्पेक्शन पे, ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको तीसरा। ये जो गूगल सर्च कंसोल है ये नया वाला ओपन हो रखा है, तो मैं आपको नए वाले बता रहा हूँ क्योंकि नए अपडेटेड है, जो पुराना वाला कुछ दिन में बंद होने वाला, तो आप सभी अपडेट कर लें। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैंने एक बाद में दे रखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, तो आप URL इंस्पेक्शन में जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको है ना अपनी वेबसाइट का लिंक डालना पड़ेगा किसी भी पेज का। अब जैसे कि सपोज ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, अब मेरे को सपोज ये कॉन्टैक्ट वाला देखना है कि ये मेरा क्रॉल हो रखा है, ये इंडेक्स हो रखा है या नहीं हो रखा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ इसके लिंक को कॉपी। आपको इसके लिंक को ही कॉपी करना है, ध्यान रखिए जो लिंक है ना इस पर आप क्लिक करेंगे इसका लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको इसको कॉपी करना है। जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे आप यहाँ पे जाएंगे वापस दोबारा गूगल सर्च कंसोल पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे इसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये एक या दो सेकंड का टाइम लगाता है, गूगल चेक करता है कि आपका पेज इंडेक्स है या नहीं है। तो आप देखना आप मेरे सामने रिपोर्ट आ जाएगी कि यहाँ पे ये पेज मेरा जो है जो मेरा पेज था वो यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा है इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने इसके अंदर कोई चेंज करें, आपने पेज के अंदर कोई चीज़ें नई नहीं डाली है वो आपको दोबारा क्रॉल करानी है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक कर सकते हैं तो दोबारा से इंडेक्स हो जाता है। मैं आपको एक बार करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे करा तो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं अभी URL इंडेक्सिंग का। ठीक है, मेरा पेज दोबारा से URL हो जाएगा, अभी जो मेरा URL था वो दोबारा से इंडेक्स हो जाएगा अभी जो मेरा पेज। तो यहाँ पे एक दो मिनट का टाइम लगाते हैं, जो ये टाइम लेते हैं फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉपअप टाइप में ओपन हो गया था जिसमें ये बता देते हैं कि आपका जो URL है वो सबमिट हो गया या फिर नहीं हुआ या उसके अंदर कोई एरर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर देते हैं। तो
पर इसके लिए ये टाइम लगाते हैं 1 से 2 मिनट का। तो दोस्तों गूगल सर्च कंसोल के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है जिसके मैंने लिंक बायो में दिए हुए हैं, आप सबको मैन्युअली जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है, आप क्या कर सकते हैं अपनी सारी चीजों में, वेबसाइट में आपकी वेबसाइट में क्या कमी है, कितने लिंक्स हैं, सारी चीजों का आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे टाइम लगा रहा है कुछ, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए अब सबमिट रिक्वेस्ट हो गई है। अब उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मैसेज आ जाएंगे मेरे पास कि इंडेक्स रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक मैसेज आ गया, यूआरएल वाज एडेड टू द प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, तो ये क्यू में हो गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये इसको क्रॉल कर देगा थोड़ी टाइम बाद और मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जाके अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रॉल करा सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक पेज और दिखा देता हूँ अगर आपको किसी समझ में नहीं आया, जैसे मैं सपोज यहाँ पे कोर्सेज वाला ही जो मेरा है मैं इसको करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, इस वाले पेज पे जाऊंगा और ये पेज आ गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ दोबारा से, फिर इस पे जाता हूँ दोबारा से इन्फेक्शन रिसेप्शन वाले पे, फिर इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये दोबारा से वही प्रोसेस को फॉलो करेगा और ये दिखा देगा कि मेरा जो पेज है वो यहाँ पे सबमिट हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि पेज जो है मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पे सबमिट हो चुका है, इंडेक्स भी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सपोज नहीं करता यहाँ पे कि यहाँ पे आपका पेज शो नहीं करता, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे आप आसानी से जाके कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको आई होगी बहुत पसंद और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने पेजेस को गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको मिलेगी सारी की सारी नोटिफिकेशन न्यू डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।